वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक बार नदीम साहब उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि यूरोप वगैरह के अंदर उन्होंने देखा है कि वहाँ पर इतनी ख़ास गुरबत नहीं और गुरबत है भी है तो वो इतनी लोअर लेवल की नहीं जितना यहाँ हमारे यहाँ इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह में है कि आटे के बहुत बड़े मसाइल हैं। लोग आटे के लिए लड़े होते हैं और वो जाके फ्री आटा या सब्सिडाइज आटा लेने के लिए लाइनों में लगे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा गुरबत क्यों और इस लेवल की गुरबत क्यों है, ये बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें जी, गुर्बत क्या होती है, बेसिकली गुर्बत कैसे पैदा होती है। दो चीज़ें हैं कि जिसके वजह से गुर्बत पैदा होती है। एक तो इल्म शऊर का ना होना की वजह से गुर्बत पैदा होती है, और दूसरा ये कि इंसान का अपने आप को ना पहचानना, ठीक है ना। ये भी एक तरह का मिलता जुलता है मामला कि अपने आप को ना बचाने से मतलब क्या कि इंसान बुनियादी तौर पे अल्लाह ने एक ख़ास चीज़ पैदा की है, अपना नायब बनाया है, उसको सजदा फरिश्तों से करवाया है। तो शैतान ने नहीं किया था तो एक मामला क्रिएट हुआ, अदरवाइज यानी अल्लाह ने नॉलेज दिया है। और वो जो वाक़या है उसमें यह है कि वो अल्लाह ने सारा समझा दिया आदम को और उसको फिर कहा कि आप पूछो, इसको पता है सब बातों का, यानी वो सिखाया अल्लाह ताला ने। इल्म की बात है वहाँ भी ना। और उसके बाद फिर दुनिया में आके इंसान अगर गुर्बत की चक्की में पिसता रहे तो ये उसका ज़्यादा कसूर है, ठीक है। मुल्कों का भी कसूर है, हुकूमतों का, रियासतों का, कि जहाँ चोरी चिकारी होती है उनके वसाइल लूटे जाते हैं, उनका बहुत बड़ा कसूर है। और उन्होंने तो जहन्नम में जाना ही है, लेकिन कसूर उनका भी है कि जो गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। जैसे अब दुनिया में जो कुछ ऐसी किताबें हैं कि जो पढ़ने से इंसान का जो सोचने का अंदाज़ है वो अमारत की तरफ चला जाता है। रिच डैड पुअर डैड है, थिंक एंड ग्रो रिच है जी, और द साइकोलॉजी ऑफ मनी है, या इस तरह की और बहुत सारी किताबें जो पैसे के मतलब हैं जिससे गुर्बत का खात्मा होता है। असल में ये वजह नहीं है कि दुनिया में वसाइल कम ख़त्म है, यह है नहीं, ये वजह होती है तो लोग कुछ लोग इतने अमीर क्यों होते हैं। इसका मतलब यह है कि दुनिया में वसाइल मौजूद हैं और उसकी मुनसफाना तकसीम, जो हम कहते हैं ना, एक बड़ा एक पॉपुलर जुमला है जी, वसाइल की मुनसफाना तकसीम होनी चाहिए। भाई एक बंदा अगर एफर्ट ज़्यादा करता है, वो ज़्यादा किताबें पढ़ता है, कोशिश करता है, अपने काम पे एम्फसाइज करता है, वो नेचुरली ज़्यादा कमाएगा। काज एंड इफेक्ट्स है ना, कि जो करेंगे, अगर आप नहीं करेगा कोई तो वो गुर्बत में चला जाएगा। अगर वो अपना जो ट्रू पोटेंशियल है उसको नहीं एड्रेस करेगा, उसको नहीं समझेगा, उसके मुताबिक अमल नहीं करेगा तो वो गुर्बत में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि जो तकसीम है बाजार समझ जो आ रही है वो अल्लाह की ज़ात तो किसी को गरीब नहीं रखना चाहती है, किसी को वसाइल के अलावा नहीं रखना चाहती ना। अल्लाह इंसानों को बहुत मोहब्बत करते हैं, ये इंसान ही है जो अपने आप से मोहब्बत नहीं करते। गरीब आदमी अपनी जो उसकी सेल्फ टॉक है वो क्या है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो क्या समझता है, आप उसके साथ बात करके देखिए, वो कहेगा नहीं जी आप तो बकवास कर रहे हैं, आप तो ये बातें जो है ना ये तो आप ये बातें हकीकी नहीं है। क्योंकि वो जिस जगह रहता है, जिन लोगों में उठता बैठता है, उनकी सोचें उसके अंदर रच बस गई हुई हैं। वो नई चीज़ ना ही सीखना चाहता है, ना ही उसको कोई सिखाए। वो ये कहता है क्यों, इसलिए कि वो पीछे इसलिए रहता है वो पीछे कि उसके अंदर अडाप्टबिलिटी वाला मामला नहीं है, उसके अंदर फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है, उसके अंदर अवेयरनेस नहीं है, उसके अंदर नई लर्न करने की सलाहियत ही ख़त्म हुई हुई है। यानी उसने अपने आप को देखे ना, इंसान है, इंसान ने अपने आप को अगर इस लेवल पे आप समझिए कि डिस्टर्ब किया हुआ है तो आप सोचिए कि उसका क्या बनेगा और वो क्या कैसे जो है वो अपने लिए वसाइल हासिल करेगा या अपने लिए वो करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये मामला इंसानों के लेवल के ऊपर है कि इंसान अपने आप को देखिए। एक इंसान काम पे नहीं आता, या एक इंसान काम पे आता है लेकिन एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ नहीं आता, ठीक है, या एक बंदा काम पे आता है और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ भी आता है लेकिन वो दिन भर अपने काम पे गौर खोज नहीं करता, ठीक है, एफर्ट नहीं करता पूरी। एक बंदा दिन भर काम पे आता है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आता है, दिन भर एफर्ट भी करता है लेकिन वो ये नहीं सोचता कि अगर नताइज नहीं आ रहे तो वो क्या करें, चेंज करें कि नताइज आएंगे। यानी ये हर कड़ी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है ना। देखिए दुनिया के अंदर इस वक्त तो कोई 7.5 अरब लोग हैं, सबके DNA मुख्तलिफ है आपस के अंदर, सबकी जो हर एक के जो लेवल है वो डिफरेंट है, ठीक है। एक ही घर के अंदर 2 लोग हैं, 2 भाई हैं अगर, तो वो 2 भाई एक उनका एक जहन माइंडसेट नहीं होगा, मुख्तलिफ होगा, उनके रुझान मुख्तलिफ होंगे। यानी आप सोचिए ना कि ये इतना ऐसे नहीं है कि सब इंसान बराबर है जो हम आमतौर पे सोचते हैं ना। हाँ, इंसान बराबर है रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हर इंसान आपस में बराबर है क्योंकि अल्लाह की मखलूक है और हमें किसी को कमतर किसी को ज़्यादा बेहतर नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई बेहतर है तो वो तकवा की बुनियाद पर, जो हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे के अंदर इरशाद फरमाया था, ठीक है ना। यहाँ इंसान बराबर है या वो है, लेकिन जो काबिलियत है, हुनर है, सलाहियत है, प्रोडक्टिविटी है, उसकी सतह के ऊपर तमाम इंसान बराबर नहीं है। जो इंसान अपने जहन को इस्तेमाल ही नहीं करता, आप सोचिए, तो वो एक मजदूर बनता है। एक मजदूर आज के दौर के अंदर कितना अपनी जिस्म से कितने पैसे निकाल लेगा, या क्या आप वो जो है ना वो जिस्म से कमा लेगा। नेचुरली एक कैपेसिटी है ना उसकी। हाँ, जहन से अगर वो कमाएगा तो ज़्यादा कमाएगा, ठीक है। अब जहन से कमाने के लिए उसको बुनियादी चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, अपने आप को डिसिप्लिन करना चाहिए, अपने आप को अवेयर करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। कहाँ से पैसा ज़्यादा कमाया जा सकता है? क्या दिहाड़ीदार मजदूर है वो पैसा ज़्यादा कमा सकता है, या स्किल वाला वेल्डर ज़्यादा पैसा कमाता है, या उसके अलावा जो फिर आगे फर्दर जो बेहतर स्किल्स हैं, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, वो जिसको आती हैं वो ज़्यादा पैसा कमाता है, पब्लिक स्पीकिंग वाला कमाता है, डिजिटल मार्केटिंग वाला कमाता है। तो ये सारी चीज़ें दर्जा ब दर्जा इम्पॉर्टेंट हैं, ये इंसानों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करनी चाहिए, उससे वो गुर्बत और वो खात्मा होगा। अब आ जाए जो आपने कहा कि जी हाँ आटे के ऊपर लोग मारे और ये मारे। देखिए आटे के ऊपर मैं आपको बताऊँ, अमेरिका में एक किताब में मैं पढ़ा कि अमेरिका में एक बंदा था जो एक अब चबूतरे पे बैठा होता था, सारी उम्र वो उस चबूतरे पे बैठा रहा और लोगों से भीख मांगता था, और आखिरी को 60-70 साल के जी के वो मर गया। एक दिन मरा तो उन्होंने वो चबूतरे को देखा कि इसके नीचे क्या है, ये जो बैठा रहता था, देखा तो वो सारा पैसा उसने उसके अंदर डंप किया हुआ था। यानी उसके पास वसाइल थे लेकिन वो भीख मांगने के लिए बना हुआ था, ठीक है। इसी तरह इंसान के पास अल्लाह ने जो ये हमें एक जिस्म दिया, बॉडी, दिमाग, ये सारा कुछ दिया, ये कोई खरबों रुपए का इक्विपमेंट है जो कि आज लोकल किसी दुनिया की किसी मशीनरी में नहीं बन रहा, सही है ना। अगर खरबों रुपए का के ऊपर बंदा बैठा हुआ है और फिर वो मजदूर है, या फिर वो भीख मांग रहा है, या फिर वो गुर्बत के चक्के में पिस रहा है, और फिर वो आटे की लाइन में लगा हुआ है, तो उसको कुछ तो सोचने की ज़रूरत है ना, ये ऐसा क्यों है, ठीक है ना। ना सिर्फ सोचने की ज़रूरत है बल्कि उसको वहाँ से पलटने की ज़रूरत है कि मैं अपने आप को वो बनाऊंगा कि मुझे जितना मर्जी आटा महंगा हो जाए मेरी ज़ात को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ से उसको पलटने की ज़रूरत है कि मैं जो है ना, मुझे भी अल्लाह ने पैदा किया है, मुझे भी अल्लाह ने 7.5 अरब लोगों में मुख्तलिफ यूनिक बनाया है, ठीक है ना। मुझे भी अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, मैं अपनी सलाहियतों को विजिट करूँगा और अपनी सलाहियतों के बलबूते के ऊपर अपने लिए वसाइल कमाऊँगा, ठीक है ना। जब देखें वो खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद ख्याल, अब अपनी हालत के बदलने का। जब हम अपने आप को अपने से ही ना मिलें, अपने से बात ही ना करें, अपने से प्यार ही ना करें, अपने को अपनी तराश खराश ही ना करें, अपने बारे में हम सोचें ही ना, सोचिए तो फिर कौन हमारे बारे में सोचेगा? कोई हुकूमत सोचेगी या कोई और? कोई नहीं सोचेगा, हमें खुद सोचना होगा। ये जो गुर्बत है ये इंसानों की पैदा करता है, ये नाइंसाफ़ी जो है ये इंसानों की खुद है, वो खुद अपना दुश्मन है पहले, बाद में हुकूमत होगी, बाद में कोई आटा महंगा करने वाला दुश्मन होगा, लेकिन वो पहले खुद इस चीज़ का जिम्मेदार है। अगर वो ये लोग हमारे, देखें आप आम से आम लोग सोचते होंगे ना कि यार ये तीसरी दुनिया में रहने वाले लोग जो कीड़े मकोड़े क्यों हैं, और वो जो यूरोप में रहते हैं वो बेहतर क्यों हैं। मैं जब बच्चा था तो मैं सोचता था अंग्रेज़ जो है वो बहुत ही अक्लमंद होते हैं और ये होता है, लेकिन मुझे समझ लगी भाई अंग्रेज़ों में भी डफर है, उनमें भी कोई बड़े अच्छे राइटर हैं, बड़े अच्छे स्पीकर हैं, बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, बाकी डफर भी उधर भी है, हमारे यहाँ भी है। लेकिन मामला ये है कि हमारे यहाँ क्योंकि आबादी इसके अंदर ज़्यादा है तो डफरों की तादाद ज़्यादा है, और वहाँ आबादी थोड़ी कम है उसका परसेंटेज भी उस हिसाब से कम है, देखिए ना। और हिंदुस्तान में इससे भी क्या हुआ मामला क्या गुजरा है, क्योंकि वहाँ लोग फुटपाथों पे सो रहे हैं, आधी आबादी तो उनकी फुटपाथ पे सोती है, ठीक है ना। तो बॉलीवुड जो दिखाता है वैसा हिंदुस्तान है नहीं, लेकिन बहरहाल उनका अपना जो उनके सफ़ीर हैं दुनिया भर के अंदर, उन्होंने अपने हिंदुस्तान को बड़ा वो करके प्रेजेंट किया हुआ है लोगों के सामने। वो उनकी अपनी हिब वतनी है और कोशिश है, और हमारे जो जाने वाले हैं वो जाके वहाँ वो काम ही नहीं करते जो उनका करने वाला है, वो एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल गुर्बत इन दोनों मुल्कों में अगर आप ज़्यादा देखते हैं तो वो इस तरह से है। अब देखिए ना, चाइना ने भी गुर्बत ख़त्म कर दी। चाइना के अंदर आपने आज से कोई 30 साल पहले भी गुर्बत भी बहुत थी, लोग गाँव देहातों में रहते थे, झोंपड़ियों में रहते थे, उनके पास भी रिहाइश नहीं थी। फिर अभी जो चाइना का प्रेसिडेंट है इसने जब अभी दूसरा तीसरा इसका दौर है, इसने उन लोगों को कंस्ट्रक्शन की तरफ लगा दिया कि भाई अपार्टमेंट बनेंगे, लोग उसमें रहेंगे और अफोर्ड करेंगे, गांव से निकल के शहरों में आएंगे। अब वो नए शहर डिमोलिश करके नए से नए बना दिए, क्या से क्या बना दिया उसने। तो अब लोग जो है वो उनकी ज़िंदगी बेहतर हो गई है, वो उनके जेब में पैसा भी है, वो और वो अच्छी जगहों पर भी रहते हैं, गुर्बत से भी उनकी खलासी हो गई है। तो चाइना गवर्नमेंट ने तो क्या ही किया होगा जो इकदाम किए होंगे, लेकिन ज़्यादा लोगों ने खुद भी किए हैं ना, कि उनको अपॉर्चुनिटी नज़र आई, उन्होंने उधर कोशिश। हमारे मुल्क में भी अपॉर्चुनिटी है, ये हमारे यहाँ कोई ऐसे हुक्मरान नहीं आते कि जो लोगों को बेसिकली गाइड कर सके, क्योंकि उनका इतना लेवल ही नहीं है। वो लीडर तो है ही नहीं, वो तो ऐसे इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो मोरे से खड़े कर किए होते हैं, शक्ल से वो लीडर बनने की कोशिश करते हैं, अंदर से तो कुछ भी नहीं होते। उनकी गंदी नंगी फिल्में उन्होंने बनाई हुई हैं, हर चीज़ उनके पास है, ब्लैकमेल करते हैं वो बैठ के, जिधर मर्जी वोट दो। वो जनरल बाजवा यही तो कह रहा था कि जी वो उनकी अक्सरियत नहीं है, वो अक्सरियत हो जाती थी, वो सारे बिल पास हो जाते थे और वो बाद में जो है वो कभी नहीं होते। अभी आखिर में आके इमरान खान को फारग कर दिया, क्योंकि सारा कुछ तो वही चला रहा था। तो हमारे तो ये लीडर ही नहीं है ना, ये तो चोर हैं, या वो जो तनख्वाहदार नौकर जो है वो मुल्क चला रहे होते हैं। तो ये तो मामला हमारा फ़र्क है, लेकिन ज़्यादा मामला हमारे यहाँ, मैं समझता हूँ चाइना से भी ज़्यादा हमारे लोग आसानी से इस गुर्बत की चक्की से निकल सकते हैं, अगर वो निकलना चाहें तो, अगर वो कोशिश करें तो, अगर वो अपना मुहासबा करें, अगर वो तहिया करें कि हमने इस गुर्बत की चक्की से निकलना है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।